को लेकर काम कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का कमला जी। मुझे बताइए कि ये सोच, ये मानसिकता कहाँ से आती है? इसको हम लोग अपनी जबान में कहते हैं पितृसत्तात्मक सोच है। पितृसत्ता एक सोशल सिस्टम है जो औरत को कमतर समझता है, मर्द को बेहतर समझता है। जी जी, पितरशाही कह लें, पेट्रियार्की कह लें। जी जी, आप किस पर हाथ उठा सकते हैं? कोई मर्द अपने बॉस पर तो कभी हाथ नहीं उठाता, अपने से सीनियर पर तो उसका हाथ कभी नहीं उठता। जी, हाथ हमारा उस पर उठता है जिसको हम कमतर समझते हैं, कमजोर समझते हैं। तो पितृसत्ता जो है ये सोच बाकायदा सिस्टमैटिकली रोजाना पैदा करती है। फिर हमारी परंपराएं, राखी पर, रक्षाबंधन पर भाई खड़ा हो जाता है बड़ा होकर, चाहे मैं उसको पढ़ा रही हूं मगर राखी पर वो कहता है मैं तेरी रक्षा करूंगा। अरे तेरी रक्षा मैं 15 साल से कर रही हूँ भैया, तेरी नाक जब से बह रही थी, मगर राखी पर मुझे फिर वहीं लाके खड़ा कर दिया जाएगा कि तू नीचे है, रक्षा तेरी ये करेगा। एक बहुत अच्छा उदाहरण है करवा चौथ का त्योहार। अब करवा चौथ औरत रखती है ताकि मेरे पति को कुछ गलत ना हो जाए, उसको लंबी उम्र लगे, उसे लंबी उम्र लगे। अगर यही सोच है तो फिर अमेरिका के सब पतियों को तो मर जाना चाहिए था अब तक, क्योंकि करवा चौथ ही नहीं, करवा चौथ भी रखती। आप हमारी जबान देख लें, भाषा देख लें, जिस आदमी से हमारी शादी होती है उसे हिंदी में हम कहते हैं पति। जी, अब आप देखें पति का मतलब क्या? ओनर, मालिक, करोड़पति, जो करोड़ का मालिक है। करोड़पति, करोड़ का मालिक, करोड़ का मालिक, पति लाख का मालिक, बेशक। तो पति का मतलब स्वामी, मालिक। और लॉजिकली आप देखें कि अगर एक स्वामी है तो लॉजिकली दूसरा क्या है? दास है। आपकी जबान में हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के लिए कोई और दूसरा लफ्ज ही नहीं है, तो भाई क्यों ना मारे? वो मालिक है और मार के उसको ठीक जगह रख सकता है। तो इस सोच को कैसे बदलें? देखो जहां तक औरतों के सोच को बदलने की बात है, हम लोग बहुत सालों से उस पर काम कर रहे हैं। पिछले 15-20 साल से मेरी तो जो खास चीज है वो ये है कि अब लड़कों और मर्दों को बदलना होगा, क्योंकि मारता कौन है? मर्द। ज्यादा हिंसा कौन करता है समाज में? मर्द। और ये ऐसे पैदा नहीं हुए, ये कोई जिस्मानी चीज नहीं है कि मर्द है तो वो हिंसात्मक होगा। अगर ऐसा होता तो दुनिया में ना बुद्ध होते ना महात्मा गांधी होते, और वो 60% मर्द जो नहीं मारते किसी को वो कैसे होते? वो तो मर्द ही है। बिल्कुल, मर्द है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप उसको कहते हैं कि तू रोएगा नहीं, माँ मर जाती है मर्द नहीं रोते, उनको लगता है ये उनकी मर्दानगी की, मर्दानगी के खिलाफ। आप, अच्छा, मैं बहुत रोता हूँ, मैं आपको बता दूं। तो आप पूरे मर्द नहीं हो मियां, आपको कुछ करना पड़ेगा। मर्द दुनिया की हर चीज पर बात कर लेंगे मगर अपने ऊपर, खासतौर से अपनी कमजोरी का बयान नहीं कर सकते, क्योंकि मर्दानगी का मतलब है कमजोर न होना। मैं ये समझती हूं कि पितृसत्ता मर्दों को डीह्यूमनाइज कर रही है, उनकी मानवीयता छीन रही है, उनकी इंसानियत छीन रही है। तो इसमें मर्दों का भी नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान। मुझे ये बताइए कि अगर किसी औरत को मारा जाता है तो वो क्यों सह लेती है, वो क्यों फर्म स्टेप नहीं लेती? जिस कुएं से मर्द पानी पीते हैं उसी कुएं से हम औरतें भी पानी पीती हैं। तो अगर मर्द पितृसत्तात्मक हैं तो हम भी पितृसत्तात्मक हैं, क्योंकि हमें भी तो यही सिखाया है, हमारे मजहब ने यही सिखाया है, हमारी संस्कृति ने यही सिखाया है, हमारी परंपरा ने, परंपरा ने यही सिखाया है। तो हम भी ये समझती हैं कि हम कमतर हैं। तो मैं यही मानती हूँ कि दोष मर्दों या औरतों का नहीं है, दोष पितृसत्तात्मक सोच का है जो हम सब के अंदर है। इसीलिए बहुत अधिकतर औरतें चुपचाप सह लेती। बिल्कुल। मुझे बताइए कि ये हर तबके में होता है? मिडिल क्लास में शायद ज्यादा होता है, क्योंकि मिडिल क्लास में औरत को बोझ समझा जाता है। आदिवासियों में, काम काज करने वालों में औरत कहीं ज्यादा आजाद है। अगर वो पिटेगी तो वो चिल्लाएगी कि देखो मार रहा है। कितनी मिडिल क्लास औरतें हैं मध्यम वर्ग की जो अपने पति को जो चिल्लाएंगी और कहेंगी देखो मुझे मार, और उसको गाली देंगी। वो तो छुपाती हैं इस बात, छुपाती है, लग गया तो दूसरे दिन काला चश्मा लगा के जाएंगी कि नो आई फेल डाउन। कई औरतें कहती हैं कि वो तो मुझे प्यार करता है तो वो प्यार में मुझे मार रहा है, चूंकि वो मुझे प्यार करता है वो मुझे मार रहा है। ये क्या सोच है?
तो फिर इसका मतलब है कि हम तो मर्दों को बिल्कुल प्यार नहीं करते, क्योंकि हम उनको पीटते नहीं है सुबह से शाम तक। तो अगर तुम प्यार करती हो तो उतना ही मारो जितना पति तुमको मारता है, तब तो उसको समझ में आएगा कि भैया मैं प्यार करती हूँ तुमसे। बिल्कुल। हमें ये भी सुनने में आता है कि बहुत सारे मर्द सोचते हैं कि भैया हम दिन भर काम करके आते हैं तो हम बड़ी थकान लेके आते हैं, फिर जो है वो फ्रस्ट्रेशन जो है हमारा वो घर पे निकलता है, औरतों पे हमारा हाथ उठ जाता है। पहली बात तो आप देखिए, जितनी रिसर्चेज हुई हैं वो बताती हैं कि औरतें मर्दों से ज्यादा लंबे घंटे काम करती हैं। आप हर घर में देख लें कौन पहले उठता है और कौन बाद में सोता है। तो औरत मर्दों से 5-6-7 घंटे ज्यादा काम करती है हर जगह। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की वो है रिसर्च। तो भैया कोई अगर थका हुआ है तो वो औरत है। इसके साथ साथ वो बच्चे पैदा करती है, बच्चों को संभालती है, इतनी इमोशनल जिम्मेदारी है। तो ये सब कहने की बातें हैं, ये तो वही है भैया जिसकी लाठी उसकी भैंस है। पितृसत्ता की वजह से मर्दों के हाथ में लाठी है तो वो कुछ ना कुछ कह के उसका इस्तेमाल करते हैं, किसी ना किसी तरह उसको जस्टिफाई करते हैं। कमला जी, मर्द ये कहते हैं कि वो पैसा कमा के घर लाते हैं, वो ब्रेड विनर है, तो लिहाजा उनको हक बनता है कि वो हाथ उठा सकते हैं। इसमें दो तीन बातें हैं। वो जो ब्रेड विनर है ना, वो लाता पैसा है। बच्चे पैसा नहीं खाते, बच्चे खाना खाते हैं। बच्चे पैसे पर नहीं सोते, बच्चे बिस्तर पर सोते हैं। तो औरत उस पैसे को खाना बनाती है, उस पैसे का बिस्तर बनाती है। तो मर्द और औरत दोनों मिलकर जब काम करते हैं तब परिवार चलते हैं। दूसरी बात, ये औरत की मेहनत है जो मर्द को दूसरे दिन काम पर जाने के लायक बनाती है। शाम को मर्द थका हुआ आता है, कहता है मैं डेड टायर्ड हूं, तो उनकी थकान कैसे जाती है? उनकी बीवी उनके पैर धुलवाएगी, वहां से पिट के आए हैं, वहां से बेइज्जत होके आए हैं, तो वो उनके टूटे हुए अहम को दोबारा खड़ा करेगी, खाना खिलाएगी, मोहब्बत देगी, रात को मन उनका बहलाएगी, दूसरे दिन सुबह उनका नाश्ता देगी, उनके कपड़े चमकाएगी, उनके जूते चमकाएगी, तब वो एग्जीक्यूटिव अपनी नौकरी पर जाएगा या वो मजदूर अपनी नौकरी पर जाएगा। तो औरत के इस काम के बिना मर्द नाकाम है। मैं लोगों से अक्सर अपनी वर्कशॉप्स में पूछती हूँ कि पितृसत्ता का उल्टा क्या है, आप बताएं पितृसत्ता का उल्टा क्या है? पितृसत्ता का मातृसत्ता। मातृसत्ता टोटल गलत, टोटल जीरो गलत। मिला आपको जीरो मिला। देखो, पितृसत्ता का उल्टा मातृसत्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर पितृसत्ता गलत है तो मातृसत्ता भी गलत, मातृसत्ता भी गलत। बिल्कुल सही। तो पितृसत्ता का उल्टा है बराबरी। तो रियली मैं ये मानती हूँ कि ये जो लड़ाई है, ये औरत और मर्द के बीच की लड़ाई है ही नहीं, ये दो मानसिकताओं के बीच की लड़ाई है। एक सोच कहती है पितृसत्ता बेहतर है, और दूसरी सोच कहती है कि दोनों एक ही है, बराबरी बेहतर है। दोनों बराबर है, बराबरी बेहतर है, बराबरी बेहतर है। बिल्कुल सही। जब तक घरों में बराबरी नहीं होगी, सच्ची मोहब्बत नहीं हो सकती। तो सच्ची मोहब्बत के लिए जरूरी है पति देवों को बाहर भेजा जाए, जीवन साथियों को अंदर लाया जाए। और जब आप दोनों को साथी नुमा जीवन बिताते आपके बच्चे देखेंगे, तो आपके बेटे दानव नहीं मानव बनेंगे, और आपकी बेटियां दासियां नहीं बराबर की इंसान बनेंगी। वाह, तब मोहब्बत होगी। बहुत बहुत बहुत। मुझे बताइए कि बहुत सारे लोग आप जैसी महिलाओं को कहते हैं कि ये एक्टिविस्ट लोग हैं और ये जो है समाज के खिलाफ हैं, घर तोड़ते हैं, होम ब्रेकर्स हैं, मतलब घर को तोड़ने का काम करते हैं, इसका आप क्या जवाब दें? मैं हमेशा कहती हूँ लोगों को कि अगर मैं बहुत बुखार में तप रही हूँ और डॉक्टर के पास जाती हूँ और डॉक्टर मेरा विश्लेषण करके कहता है कि कमला तुम्हें मलेरिया है, तो वो डॉक्टर मुझे मारना नहीं चाह रहा, मुझे संभालना चाह रहा है। तो अगर हम दिखाते हैं ये तस्वीर समाज की कि देखो घरों में ये हो रहा है, तो आपकी कोशिश ये है समाज हेल्दी हो जाए। बिल्कुल। कमला जी, मुझे बताइए घरेलू हिंसा को लेकर एक दो तीन चीजें खास हम क्या कर सकते हैं? कई स्तर पर काम करना पड़ेगा जी। सबसे पहले तो बेटियों को हम ऐसे पालें कि वो अपनी इज्जत समझें,
दूसरे लोग उनकी इज्जत करें, दूसरा उनको पैर इतने मजबूत दें कि वो कभी भी डर की वजह से किसी शादी में दबती ना रहे, पिटती ना रहे, मरती ना रहे। उस बच्ची को इतना विश्वास दिला दें कि अगर मैंने इनसे कहा कि मैं घर में पिट रही हूं, मेरी बेइज्जती हो रही है, तो वो छाती पर हाथ धर के उसका बाप कहे, बेटा तू घर वापस आ जा, तेरा घर है ना। हाँ, हम ये बच्ची को न कह के बोले कि भाई जाओ आप किसी तरह एडजस्ट करो, ये बिल्कुल जब भी कभी उनको मुसीबत होगी हमें उनके लिए होना चाहिए। तीसरा, हमें दहेज मत दो, प्रॉपर्टी दे दो। दहेज मत दो मतलब घर का 5% पैसा देके हमें भेज देते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। हमारे भाई को 95% 90% मिल जाता है, तो प्रॉपर्टी बेटियों को दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर अगर होती है घरेलू हिंसा और परिवार उनको नहीं वापस लेते, तो सरकार की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है कि शेल्टर होम्स हो ऐसी औरतों के लिए, ऐसी औरतों के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइंस हो कि तुम फोन करो और हम तुम्हारे दरवाजे पे आ जाएंगे, क्योंकि तुम जब पिटती हो पूरे हिंदुस्तान की इज्जत घटती है। वाह क्या बात है। तो वो बात है।